आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक चिट्ठी जो कर्नल साहब की श्रद्धांजलि में उन्होंने आज भेजी है, आप सभी से उसको पढ़कर आप साइलेंट रहें, स्थान ग्रहण करूंगा। बोलो जय नारायण भगवान की जय। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला ने हिंडौन के मुंडिया गांव से लेकर देश दुनिया में नाम कमाने के सफर में कर्नल बैसला ने तमाम मुश्किलों का सम्मान सामना किया। एक सैन्य अधिकारी के रूप में कर्नल बैसला ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया। 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने युद्ध बंदी तक बनाया गया, परंतु पाकिस्तान सेना भी उनके मजबूत इरादों को डिगा नहीं सकी। कृत संकल्पित होने के कारण अपने साथियों के बीच वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाने जाते थे। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद कर्नल बैसला समाज सेवी और सामाजिक चेतना के कार्य में लग गए। सामाजिक शिक्षा एवं आर्थिक रूप से पिछड़े गुजर समाज के उत्थान के लिए कर्नल बैसला ने समाज के आरक्षण की मांग की एवं इसके लिए कई दफा आंदोलन किए। आरक्षण आंदोलन के दौरान मेरी कई बार उनसे मुलाकातें वार्ता हुई। मैंने देखा कि वो एक बेहद सुलझे हुए इंसान थे जो हमेशा अपने समाज को आगे रखकर चलते थे। उनके मजबूत इरादों का एक उदाहरण यह है कि एक बार जब उन्होंने कुछ मांगों को लेकर आंदोलन किया तब वो कोविड से संक्रमित थे, परंतु समाज के लिए वो शारीरिक कष्ट सहकर भी अपनी मांगों पर अडिग रहे। मुझे प्रसन्नता है कि कर्नल बैसला द्वारा समाज के लिए की गई मांगों को सरकार के कार्यकाल में पूरा किया गया और कार्यकाल में उनके नेतृत्व में किए गए किसी भी आंदोलन में सरकार द्वारा किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। कर्नल बैसला जब अस्वस्थ हुए मेरी उनसे वो उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने वाले डॉक्टर से लगातार बात होती रही। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जन्मदिवस और अस्थि विसर्जन है। ये दुखद है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु गुजर समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। साथियों, कर्नल साहब जो हमें संदेश देकर गए, मैं समझता हूँ कि आज हम सब केवल उनके जीवन काल में संघर्ष करने की क्षमता जो उन्होंने हमें दी, संघर्ष करने का पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, 12 साल तक आंदोलन की लड़ाई को लड़के अपने समाज का अधिकार उन्होंने लेकर माना, मैं समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष कई सैकड़ों साल में पैदा होते हैं और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। मैं आज यही कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे जीवन में मुझे कई बार उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला और मैं समझता हूँ जितनी बार भी मैं उनसे मिला मुझे जिंदगी में एक नई सीख और एक जीवन को जीने की प्रेरणा मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी भी कर्नल साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को कर्नल साहब के ही भांति दूसरों के प्रति, पूरे प्रदेश के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग पर बैठे निवेदन करना चाहेंगे आप से अवसर कार्यक्रम में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले जो बात आई थी आरक्षण मिलना चाहिए उस बात की पैरवी करने वाला व्यक्ति राजेंद्र राठौड़ हुआ करता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई